गोरखपुर के विकास की सड़क और एक नाला लोगों के लिए मुश्किल बना हुआ है। गोरखपुर के असुरन चौराहे से मेडिकल कॉलेज रोड तक सड़क और नाले का निर्माण 3 साल में भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जल भराव से लोगों के लिए मुश्किल जरूर बन गया है। गोरखपुर के असुरन चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक जाने वाली सड़क और नाले का निर्माण लोगों के लिए मुश्किल बन गया है। लोगों के साथ ये सड़क और नाला सरकारी खजाने पर भी भारी पड़ रहा है। 3 साल में सरकारी नाले का बजट करीब 2.5 गुना बढ़ गया है, लेकिन अब भी लोगों को नाले से राहत नहीं बल्कि जल भराव को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, संकट में यही है कि एक तो नाला सड़क से काफ़ी ऊंची हो गई, जिससे पानी दुकान के अंदर घुस जा रहा है और घर का भी पानी सड़क पर नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है कि पानी नहीं जा रही है, दूसरे नाला इतना ऊपर हो गया कि घर की गाड़ियाँ नीचे नहीं उतर रही हैं। रोड काफ़ी नीचे है, बीच में नाला इतना ऊँचा कर दिया गया है। हम लोग वैसे ही नीचे थे, अब तो और ऊंचा हो गया, बीच में एक डिवाइडर टाइप का हो गया है, जबकि नाला ऊंचा होने का कोई मतलब नहीं है। अलोनी की स्थिति इस समय बेहतर नरकी स्थिति में है, ये जान लीजिए। ये नाले के वजह से सिर्फ है कि पहले नाले के बेड जो था नीचे था, और ये इन लोगों ने क्या किया कि नाले को पाट करके इसको कम से कम 2 फीट ऊपर कर दिए। नाला सड़क से 1 मीटर ऊंचा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। बरसात के मौसम में इलाके की कॉलोनियां पूरी तरह से डूब जाती हैं। नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने नाले के निर्माण के वक्त आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन विभागीय अनियमितता की वजह से काम रुका नहीं। इंजीनियर GDA और चीफ इंजीनियर जल निगम, ये चारों अधिकारी बैठेंगे और उस पूरी एरिया की एक बार कंटूर मैपिंग पर एनालाइज करेंगे, और जहाँ कहीं भी नाला निर्माण में जो जो गड़बड़ी हुई है उसको तोड़ के उसको फिर से ठीक करेंगे, और नहीं करेंगे तो ये दंडित किए जाएंगे। विधायक की आपत्ति के बाद अधिकारियों ने नाले का निर्माण सही कराने का भरोसा भी दिया, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया है। ये नाला अब सियासत की बैतरनी बन रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव पास है तो नाले की परेशानी याद आ गई। ये सबसे बड़ी कमी रही जब शुरुआत थी तभी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, इसी में जनता पिस रही है, और यही प्रॉब्लम बहुत बड़ा सामने है। हम चाहेंगे कि अब से मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, और अब जो चुनाव को लेकर विकास उनको करना है कम से कम उसमें ध्यान देना चाहिए कि जनता मजे में रहे। नाले के दोनों ओर सड़क के आसपास लाखों लोग जल भराव से परेशान हैं। साल 2017 में इस सड़क और नाले का निर्माण शुरू हुआ था, जिस काम को जून 2018 में पूरा हो जाना चाहिए था। 4 साल बीतने के बाद भी वह पूरा नहीं हो पाया है। शुरू में सड़क और नाले की लागत 182 करोड़ रुपए थी, जो 3 साल बाद 434 करोड़ हो गया, लेकिन अब भी लोगों को लगता है करोड़ों रुपया नाले के पानी में ही गया। इस गलत निर्माण को लेकर PWD और नगर निगम के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, लेकिन इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल भी खड़े कर रही है। वीडियो एनालिस्ट प्रदीप गोर के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।